अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट्स हैं ब्रिज के हवाले से। नया नाजोबाद की पहली जनवरी 2023 की बेसिकली ये वीडियो है कि आप देख सकते हैं कि नया नाजोबाद का ब्रिज जो है हम सरीना से टूवर्ड्स जो है वो जा रहे हैं कलंदरिया चौक, और कलंदरिया चौक से होते हुए हम पहुँचेंगे नया नाजोबाद। तकरीबन तमाम चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं और अख्ताम मराहल में है। ये आप देखिएगा, ये इनिशियल है जो ये देखिए, ये बिल्कुल इनिशियल पॉइंट है जहाँ से जो बेसिकली पुल उठेगा। उससे पहले से आप देख रहे हैं कि तमाम काम तकरीबन मुकम्मल होते जा रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं, ये वेल गेटेड सोसाइटी है, सिटी विद इन ए सिटी है, तमाम एमिनिटीज, तमाम फुटबॉल ग्राउंड्स, इंटरनेशनल स्टेडियम इसके अंदर मौजूद है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये नया नाजोबाद का बिल्कुल इनिशियल जहाँ से शुरू हो रहा है पुल, ये पुल यहाँ से शुरू हो रहा है। नया नाजोबाद की जो गेट है उससे पहले ये उतरेगा, और ये तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर का पुल है। और ये जब बनेगा तो उसके बाद आप देखिएगा कि जब आप सरीना से टूर्स नया नाजोबाद आ रहे होंगे तो 5 मिनट्स के अंदर या 3 मिनट्स के अंदर आप जो है नया नाजोबाद के अंदर होंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा बड़ा पुल बनाया गया है। और इसको मद्देनज़र रखते हुए मैनेजमेंट ने इसको बहुत जल्दी इसकी कम्प्लीशन की है, जो एक बहुत खुशाइन बात है, क्योंकि आजकल के ज़माने में जब तक ये चीज़ें होती हैं, मतलब आप बेनिफिट्स देते हैं कस्टमर्स को तमाम चीज़ें, तो फिर कस्टमर्स भी उसी तरीके से अट्रैक्ट होता है। और थोड़ा सा ये पैच ऐसा था कि जहाँ ज़रूरत थी पुल की, और नया नाजोबाद की मैनेजमेंट ने इसको पूरा किया। और आप देख सकते हैं ये पुल ये चल रहा है, तकरीबन इसके पिलर्स वगैरह तकरीबन तमाम खड़े हो गए हैं, गार्डर्स वगैरह डल चुके हैं। और नया नाजोबाद की ऐसी सोसाइटी है जहां हर सहूलियात मैसर हैं, पानी के हवाले से हो चाहे बिजली के हवाले से हो, किसी भी हवाले से हो, यहां पे तमाम जो है ना वो सहूलियात मैसर हैं। तो यही कहूंगा कि अपॉर्चुनिटी है, और ये हमने जब से ये लॉन्च हुई उस वक्त से ये काफ़ी अच्छी जो है वो देखा जाए तो ये बेनिफिट्स दे चुकी है अपने कस्टमर्स को। अभी भी इसके अंदर जूस मौजूद है, और जो भी कस्टमर यहाँ लेना चाहे तो वो ले सकता है। और मेरी नज़र में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कस्टमर्स के लिए, क्योंकि आप अगर बहरिया टाउन की तरफ सफ़र करते हैं तो वो बहुत लंबा सफ़र होता है, वहाँ 50 किलोमीटर आना, 50 किलोमीटर जाना, और फिर आजकल आपको पता है स्कीम 33 बड़ी मसाइल की जद में आई हुई है, वहाँ डैम्स वगैरह के इशूज़ हैं ये वो। तो इस हवाले से नया नाजोबाद बेहतरीन सोसाइटी है मेरी नज़र में, और यहाँ पे तक 5 से 7 हज़ार फैमिलीज़ भी रह रही हैं, और जिनका भी आउटपुट है वो यही बोलते हैं कि बहुत अच्छी सोसाइटी है रहने के हवाले से।